गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक, तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, इस जग को किसने बनाया है? जग का मतलब क्या होता है बेटा? संसार, है ना। चैप्टर का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। ईश्वर ने यह संसार बनाया है। संसार की खूबसूरती बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें निहारने, निहारने का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, इन्हें निहारने मात्र से ही हमें ईश्वर को नमन करने का मन करता है। आइए इसी से संबंधित कविता को पढ़ें। कवि क्या कह रहा है कि इस नेचर को बनाने वाला कौन है? भगवान है, है ना। नदी, झील, पहाड़, इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। पेड़ पौधों को भगवान ने बनाया है। तो नेचर को बनाने वाला गॉड है, और इसलिए हम गॉड को क्या कर रहे हैं? थैंक्स बोल रहे हैं, उनका धन्यवाद कह रहे हैं। तो कवि इसी चीज़ को लेकर के इस कविता में अपने एक्सप्रेशन को, अपने भाव को प्रकट किया है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह देखते हो, कभी आप 4-5 o'clock उठे होगे तो आपने देखा होगा कि वेदर क्या होता है, एकदम कूल होता है, ठंडा होता है, और बहुत वातावरण पूरा शांत होता है, और केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, है ना। वो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खुश हैं, बहुत मगन हैं, और वो खुश होकर के क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, है ना। तो कवि यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चिड़िया बहुत खुश है, और खुश होकर के वो क्या कर रही है? खुशी के गीत गा रही है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कली खुलने का मतलब क्या है? दरवाज़ा खोल करके कली थोड़ी आती है। कहने का मतलब है, भाव है कि कली क्या होती है? जब आप शाम को देखते हो तो कली रहती है ना, कोई भी फ्लावर की कली, और जब वो मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो वो कली क्या हो जाती है? खिल करके फूल बन जाती है, है ना। और जब वो फूल बन जाती है कली, तो ऐसा लगता है जैसे वो फूल क्या हो रहा है? मुस्कुरा रहा है, है ना, हंस रहा है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जो कली थी वो अब फूल बन गई है, और फूल बन करके वो ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या कर रही है? दुनिया पर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। ठीक है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। खुशबू की लहरें मतलब जब मॉर्निंग में आप उठते हो, देखते हो आपके गमले में, आपके गार्डन में फ्लावर्स लगे होते हैं, और जब मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उसकी खुशबू कितनी प्यारी लगती है ना, और वो खुशबू ऐसा लगता है कि बस सीधा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है, घुस ही जा रही है, है ना। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग का मतलब क्या होता है? जग का मतलब होता है संसार। ठीक है, और सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला। सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि जब मैं इतना सुंदर, इतना मनमोहक वातावरण देखता हूँ, तो हे जग के, जग को बनाने वाले प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश होती है तो देखा है आप लोगों ने, जब बूंदें फर्श पे गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की तरह वो बिखर गई हैं, है ना। छन्न से बारिश गिरती है फर्श पे, और उसके कई टुकड़े होकर के जैसे लगता है कि वो फर्श पर बिखर गए हैं, है ना। तो बिजली चमचम कर जाती है, और मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। देखते हो जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, है ना। चारों तरफ हरा भरा घास, चारों तरफ हरी हरी हरियाली की, जैसे घास क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई देता है, और इतना अच्छा लगता है। बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है ना। जो पौधे सूखते होते हैं वो भी, उनके अंदर भी क्या हो जाती है? हरियाली आ जाती है। पत्ते हरे हरे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, चारों तरफ पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, है ना। और जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब बारिश होती है, कभी देखा आप लोगों ने, जब बारिश होती है और खूब जोर से हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो हवा आ रही है ना, वो भी मस्ती के मूड में आ रही है, पूरा कहीं से मस्ती ढोकर के लाई है और हमारे ऊपर बिखेर रही है वो मस्ती, है ना। तो हे मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो कवि कह रहा है कि जब इतना मनमोहक दृश्य मैं देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी फील होती है, तो हे संसार को बनाने वाले भगवान, मुझे आपकी याद आती है कि आपने क्या बनाया है। हाँ, इतना अच्छा नेचर जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, जिसको फील करते हैं हम लोग, देखते हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फियर है ना, इतना अच्छा वातावरण जब हम महसूस करते हैं, अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं, तो हे भगवान, हे संसार को बनाने वाले प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है ये, इसको आप लोग याद करिएगा और अपने नोटबुक में इसको एज अ राइटिंग इसको राइट करिएगा। ठीक है, अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस कविता को लिखा किसने है, इस कविता को लिखा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। ये आपके एग्ज़ाम में आता है कि तब याद तुम्हारी आती है नामक कविता को किसने लिखा है, तो आपको जब चैप्टर का नाम तो पता है लेकिन राइटर का नाम नहीं पता होता है, तो ये पता होना चाहिए कि आपकी ये वाली कविता को किसने लिखा है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। और ये भी आता है कि आपको राइटर का नाम दे देता है और कहता है कि बताओ राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी कविता लिखी है, तो हम लिखेंगे राम नरेश त्रिपाठी ने तब याद तुम्हारी आती है नामक कविता को लिखा है। तो आपको चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए और चैप्टर को किसने लिखा है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पोएम, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अपर में लिखा हुआ है रचना का, रचनाकार, रचनाकार मतलब जिसने रचना की है इस कविता की, उनका परिचय, जीवन परिचय। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पंडित राम नरेश के जीवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के कोइरीपुर गांव में हुआ था, ठीक है। वे मूलतः कवि थे, क्या थे, कवि थे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये बहुत जगह आप लोगों ने ये सॉन्ग भी है, प्रार्थना है, इसको सुना होगा आपने, ठीक है। तो उनकी ऐसी कविता है जिसे आज भी स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय गाया जाता है। उन्होंने कई बालोपयोगी पुस्तकों की भी रचना की है। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास नाटक भी लिखे हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है कविता कौमुदी, ठीक है। इसके 8 भाग में भारत के गांव में गाए जाने वाले लोकगीत का संकलन है। त्रिपाठी जी की अन्य रचनाएं हैं जैसे मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, मानसी है आदि, ठीक है। उनका निधन, निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 जनवरी 1962 को हुआ था, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा और उनके जीवन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, शब्दावली, ठीक है। जग, जग का मतलब क्या होता है, संसार, ऑलरेडी मैंने बताया था पहले, जग का मतलब होता है संसार। सृजनहार, सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला। वन बाग, वन बाग का मतलब होता है जंगल, वन का मतलब जंगल और बाग का मतलब होता है फुलवारी, उपवन, ठीक है। मस्ती, मस्ती का मतलब क्या होता है, मस्त अर्थात प्रफुल्लित होना, खुश होना, ठीक है। आगे अभ्यास कार्य, पाठ की दुनिया, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला क्वेश्चन जो है वो केवल ओरल है, ओरल हम लोग करेंगे। चिड़ियाँ कब गाती हैं, चिड़ियाँ लिखा हुआ है, चिड़ियाँ मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ, ठीक है। चिड़ियाँ कब गाती है, तो चिड़िया सुबह गाती है। मस्ती कौन ढोकर लाती है, मस्ती ढोकर लाती है ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। सेकंड है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है, तो हम लिखेंगे सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, ठीक है। आगे देखिए, मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है, तो हम लिखेंगे मैदानों में हरियाली लहराने पर ईश्वर की याद आती है। ये बुक मैंने किसी बच्चे की ली थी, इसने गलत इसमें आंसर लिखा हुआ है, मैं जो बोल रही हूँ लिखिएगा, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेजा रखा है, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, मैं अगेन भेज दूँगी, आप उसको लिखिएगा। मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है, मैदानों में हरियाली लहराने पर ईश्वर की याद आती है। इस जग को बनाने वाले कौन हैं, इस जग को बनाने वाले ईश्वर अर्थात भगवान हैं, ठीक है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, कविता लिखा हुआ है इसको याद कर लीजिए आप लोग, और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर लर्न नहीं है तो देख के भी कंप्लीट कर सकते हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, ठीक है। इसके बाद है जीने की राह, हम अच्छे कामों के लिए ईश्वर को याद करते हैं, किसके लिए, अच्छे कामों के लिए ईश्वर को याद करते हैं। आप कौन कौन से अच्छे काम करना चाहेंगे ताकि आपके गुरुजन आपको याद रख सकें, है ना। देखते हो हमेशा उन बच्चों को याद किया जाता है जो अच्छे काम करते हैं, है ना, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना, मम्मी पापा का कहना मानते हैं, मम्मी पापा भी उन्हीं को प्यार करते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं। जो गंदे बच्चे होते हैं क्या उनको कोई प्यार करता है,
जो परेशान करते हैं, हमेशा अपनी चीज़ें अच्छे से नहीं रखते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, वो उनको कोई लाइक करता है क्या? कोई नहीं लाइक करता ना। तो अच्छी चीज़ों को, अच्छे बच्चों को हर कोई पसंद करता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए, है ना, गुड बॉय गुड गर्ल बन करके रहना चाहिए, ताकि हमें हर कोई लाइक करे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारा टीचर हो। ठीक है, तो आप अपने से इसको लिखिएगा कि आप कौन कौन से ऐसा काम, अच्छा काम करोगे जिससे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको प्यार करें, आपको याद करें। ठीक है, तो ये आपको खुद से लिखना होता है, तो ये आप अपने से लिखिएगा। दूसरा है, बारिश होने के बाद पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधों को पानी के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है? तो हम लिखेंगे, पेड़ पौधों को पानी के अलावा हवा और धूप चाहिए होता है। ठीक है, भाषा की दुनिया, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब क्या होता है? डिक्टेशन। डिक्टेशन मैम बोलती हैं और आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है, लेकिन डिक्टेशन बहुत लोग गलत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप लोग वर्ड्स की प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, है ना। तो आपको अपने वर्ड्स की प्रैक्टिस करने होते हैं, अपनी कॉपी में उठा करके, जब से आप रीडिंग लगाते हो ना, तो रीडिंग लगाते समय आपको देखना चाहिए। जैसे यहाँ सुबह लिखा हुआ है ना, तो सुबह में कौन सा स है, कौन सी मात्रा है, हैं, हमेशा रीडिंग करते समय हमें मात्राओं पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। दरवाज़ा, खुशबू, अब खुशबू में देखो ख पे कौन सी मात्रा है, ब पे कौन सी मात्रा है, और श कौन सा श है खुशबू में, तीन श होते हैं ना, एक बड़ा श, एक छोटा स और एक खटकोर वाला श होता है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा स होगा। तो जब भी हम रीड करते हैं ना बुक्स को, तो हमें शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। खुशबू, तो इसमें बड़ा श है, देखो खु श बू, खुशबू बड़ा श होगा। हरियाली, र पे छोटी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा। मस्ती, बिजली, सृजनहार, कलियाँ, कलियाँ पे ल, यहाँ पे क्या है, चंद्रबिंदु है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, शब्दों के रूप से अनेक, उनके एक या अनेक होने का बोध होता है, जब एक का बोध हो तब हम एकवचन होता है, और जब बहुत का बोध हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। ऑलरेडी आपको पता है एकवचन बहुवचन क्या होता है, जिससे एक का बोध हो उसे हम एकवचन कहते हैं, और जिससे बहुत सारे चीज़ों का होना प्रकट हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बूंदें, बूंदे का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी बूंदें, तो बूंदे का एक वचन क्या होगा, बूंद, बूंद का मतलब एक बूंद, और बूंदे का मतलब बहुत सारी बूंदें। ठीक है, लहरें, लहरें क्या है, बहुवचन है, तो लहरें का एक वचन क्या होगा, लहर। कलियां, कलियां बहुवचन है, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा, कली। ठीक है, कली कलियां, कलियां कली। चिड़ियां, चिड़िया, इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, चिड़ियाँ और चिड़िया, इसमें केवल एक डिफरेंस होता है चंद्रबिंदु का। जब हम एक वचन लिखते हैं तो चिड़िया लिखते हैं, चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं, और जब हम बहुवचन लिखते हैं तो चिड़िया में चंद्रबिंदु लगा देते हैं, बस चंद्रबिंदु का ही डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, समान अर्थों वाले शब्द, जिसके शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे हवा, हवा का समानार्थी शब्द क्या होगा, पवन, वायु, है ना, तो पवन का मतलब भी वायु होता है, वायु का मतलब भी वायु होता है, हवा का मतलब भी वायु, पवन मतलब हवा, वायु मतलब हवा, हवा मतलब हवा, तो शब्द अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो क्या हैं, एक ही हैं। तो समान अर्थों वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनके अर्थ एक समान हों। बाग, बाग का क्या होगा, उपवन, बगीचा, उपवन का मतलब भी बाग, बगीचे का मतलब भी बाग। चिड़िया, पक्षी, खग, प्रभु, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सब क्या, ईश्वर का मतलब भी भगवान, प्रभु का मतलब भी भगवान, भगवान का मतलब भी भगवान। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो उत्तर सही हो उनके सामने सही का निशान लगाइए। जिस प्रकार उठना से उठकर बना है, उसी प्रकार लगाना से लगाकर बना है, सेकंड वाला हम टिक करेंगे। जग का अर्थ नहीं है, क्या पूछ रहा है नहीं, नहीं है, जग का अर्थ नहीं है, तो जग का अर्थ होता है संसार, संसार मतलब भी जग, जग का मतलब होता है दुनिया, दुनिया का मतलब भी संसार होता है, लेकिन जग का मतलब सारा, सारा नहीं होता। इस बच्चे ने देखो गलत टिक किया है, फर्स्ट पे इसने टिक कर दिया, आप लोग थर्ड पे करिएगा, सारा, सारा जो है वो जग का अर्थ नहीं है। ठीक है, ग है, इनमें से शुद्ध शब्द
है। तो क्या है वाहर, वाहर का क्या मतलब होता है, कोई अर्थ नहीं होता। वाहर, वाहर का भी कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन बाहर, बाहर चलो, बाहर बैठो, बाहर हवा चल रही है, तो बाहर क्या होता है, बाहर का अर्थ होता है। तो शुद्ध शब्द है बाहर, सेकेंड वाला टिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे हम रचना का संसार। खूब सवेरे जाकर बाहर देखिए, आप अपने आसपास क्या क्या देखते हैं कक्षा में बताइए। इसको आप फील करोगे और जो भी आपको महसूस होगा, आपने जो भी ऑब्जर्व किया होगा मॉर्निंग में उठ करके, वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे। तो ये आपको नोटबुक में लिखवाना नहीं है, बस सेकंड क्वेश्चन, बारिश के मौसम में आप क्या क्या करते हैं लिख कर बताइए, ये आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। तो बारिश के मौसम में आप क्या क्या करते हो पता है सबको, डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बच्चा जो कर रहा है सेकेंड बच्चा भी वही करेगा, है ना। इसलिए इसको आपको खुद से लिखना है, जो आप करते हो वो आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। थर्ड है, अपनी अध्यापिका से पता कीजिए कि बारिश कब और कैसे होती है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, फिर मैं, आप जब आओगे क्लास में तो फिर मैं बता दूंगी। इस कविता को लय से गाइए, ठीक है। फोर्थ है, इस कविता को लय से गाइए, इस कविता को याद करिए और गा करके याद करिए, गा करके मैं सुनूंगी सबसे उसमें क्लास में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसे आप डन करिएगा, वीडियो को देखिएगा। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है वो वीडियो इनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी आप फिर से मुझे पूछिएगा, मैं फिर इनसे बताऊँगी। ओके, थैंक यू। सो बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।